बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। कहते हैं कि देवों के देव महादेव भगवान शिव के भक्तों के लिए पंच कैलाश की यात्रा बहुत मायने रखती है। यही कारण है कि दुर्गम और जटिल रास्तों को पार करके भगवान शिव के श्रद्धालु पंच कैलाश यानी भगवान भोले शंकर के पांच तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान शिव के तीर्थ में कैलाश पर्वत, मणि महेश, किन्नर कैलाश, आदि कैलाश और श्रीकर्ण महादेव शामिल है। हम सबको पता है कि इन सभी तीर्थ स्थानों तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सभी में श्रीखंड महादेव तक पहुंचने का रास्ता सबसे दुर्गम और मुश्किल माना जाता है। आपको बता दें कि 15 जुलाई से श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने श्रीखंड महादेव यात्रा की तारीख बता दी है। बता दें, श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद जोखिम भरी होती है, जिसके चलते ट्रस्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपनी जान जोखिम में ना डालें। कि आप जानते हैं कि हर वर्ष श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है जुलाई के महीने में होती है, तो इस वर्ष भी यात्रा 15 जुलाई से स्टार्ट होगी। इसको लेके प्रशासन ने तैयारियां की हैं, जैसे कि जो भी लोग वहां पे जाएंगे उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, ताकि हम उस तरह के जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनको अवॉइड करें कि वो ना जाएं और कोई रिस्क उनकी लाइफ के साथ ना हो। साथ ही साथ रेस्क्यू टीम्स का भी इसमें गठन किया गया है। इसमें हम मैजिस्ट्रेट्स के भी ऑर्डर करेंगे, स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स के, जो अपनी ड्यूटी देंगे इन 10-15 दिनों के दौरान जिस समय ये श्रीखंड महादेव की यात्रा होती है। और साथ ही साथ में इसमें ये अपील भी करना चाहूँगी सभी लोगों से, इस यात्रा के लिए लोगों की बहुत श्रद्धा रहती है, लेकिन वो प्रशासन के साथ अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं और तभी इस यात्रा के लिए आगे बढ़े, ताकि उनकी सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रख पाए। होता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे टेंट्स लगते हैं, जिसमें जो है इस टाइप के उनकी सारी जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है, तो इस बार भी ये सारी अरेंजमेंट्स की जा रही है। उपमंडल के निर्मण खंड की 18,500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसे श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को 35 किलोमीटर की जोखिम भरी यात्रा पार करनी पड़ती है, जिसके बाद वह श्रीखंड महादेव के दर्शन कर पाते हैं। बता दें कि पिछले 2-3 सालों में यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते करीब 35 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके चलते श्रीखंड महादेव की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय की गई है। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी तय किया है कि किसी भी यात्री को उनकी फिटनेस देखकर ही श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। न्यूज़ डेस्क।